नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। क्रिकेट जगत भले ही भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मैच फिनिश करने की क्षमता का कायल हो, लेकिन टीम से बाहर बायहाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि धोनी नहीं बल्कि विराट कोहली टीम के मैच फिनिशर हैं। गंभीर ने आज तक के सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव में कहा, ये टैग मीडिया ने दिया है, मेरे लिए विराट फिनिशर है। एक ओपनर भी फिनिशर हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि फिनिशर छठे या सातवें नंबर का बल्लेबाज हो। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी को ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो किस क्रम पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश टीम को मात देकर इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हो गया और अब आज से शुरू होने जा रहे T20 विश्व कप में शीर्ष टीम के रूप में उतरेगा। टीम इंडिया ने रविवार को मीरपुर के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश को 8 विकेट से मात देकर 6वीं बार एशिया कप जीता था। जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे T20 मैच में शिकस्त देकर सीरीज में 1-1 से बराबरी की। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि अगर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट भी हो जाते हैं तो उनके लिए टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा। धोनी का मानना है कि शमी के लिए जसप्रीत बुमराह और आशीष नेहरा की जगह ले पाना मुश्किल होगा क्योंकि फिलहाल टीम काफी संतुलित लग रही है। भारत को आगामी T20 विश्व कप में खिताब का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन उसके लिए काफी समय तक खेल चुके सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को लगता है कि भारत को खिताब तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना होगा और उसके लिए उसे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भारत को विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ कठिन ग्रुप में रखा गया है। अपने पिछले तीनों मुकाबले जीत चुके भारतीय पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह से पेशेवर मुकाबले के लिए बेताब हंगरी के मुक्केबाज अलेक्जेंडर होरवाथ ने सोमवार को सनसनीखेज बयान दिया कि वो सांप का खून पीकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। विजेंद्र का अगला मुकाबला 12 मार्च को लिवरपूल इको एरेना में सुपर मिडल वेट मुक्केबाज होरवाथ से होना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की